बाबा जी, आप कांग्रेस के बाद फिर से भाजपा में आए हैं, आपकी घर वापसी हुई है, हटा क्षेत्र आप आए हैं, समर्थकों में उत्साह, क्या कहेंगे आप? घर वापसी आए हैं तो घर का और सुधार समान है। क्या कारण थे जो फिर से आप भाजपा में वापस आ गए? क्या है, जो हमारा मूल रूप से जो है संस्कार तो भाजपा ही के हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि यानी हमारा जो राजनीतिक परिवार है वो अम्बानी माता विजया राजे सिंधिया जी ने तो हमें सदस्यता दिलाई थी, चाराना की सदस्यता जनसंघ के समय, और कई बार दो तीन बार तो वो सकोर आई है, ये तुम्हारे लालचंद वगैरह ये सब कार्यक्रम में साथ मिले उनके संग। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आप भाजपा में पुनः शामिल हुए, क्या कोई आश्वासन मिला है आपको किसी पद को लेकर? देखो, आज तक की जितना हमारा राजनीतिक कैरियर है, हमने कभी मांगा नहीं, ना हमने कोई समझौता ना कोई सौदा कीजिए, हम तो अपना कर्तव्य करते हैं भाई, कोई दिक्कत हुई, पीड़ा हुई, तकलीफ हुई तो उसको जब पार्टी के बीच में सुनना उचित नहीं लोगों ने समझा तो हमें स्टेप उठाना पड़ा, और जब उनके बात समझ में आ गई तो मामला ठीक हो गया, हमारी कोई पार्टी से लड़ाई थोड़ी थी। दमों की बात करें बाबा जी, दमों में भी भाजपा इस समय तोफान है, आपके ही कुर्मी छत्री समाज के जो नेता हैं वो भी पूर्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, क्या कहेंगे इस पर आप? हम देखो, जहाँ तक है कुर्मी छत्री समाज जो है वो सामाजिक कार्यक्रमों में इसमें अपना वो काम योगदान देते हैं, तो मैं नहीं समझता वो समाज को लेकर के कोई मोर्चा खोले या नहीं करें, समाज को किसी भी उसमें झोंकना नहीं चाहिए। प्रदेश में हाल ही में 24 सीटों में उपचुनाव है, क्या भूमिका रहेगी आपकी इनमें? जहाँ पार्टी भेजेगी वहाँ काम करेगी। ठीक।